सिगरेट शराब शरीर के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन आर इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर। श्रीरस्तु शुभमस्तु अविघ्नमस्तु। हमारे इकलौते बेटे चिरंजीवी वीरेंद्र कुमार और सौभाग्यवती कुमारी मधुबाला की शादी के लिए बड़ों ने फैसला किया है। आप सबसे विनती है कि शुभ अवसर पर आकर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करें। 26 जनवरी बुधवार को वरमाला एवं विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। 27 जनवरी की सुबह यानी गुरुवार को 8 बजे विदाई का कार्यक्रम संपन्न किया जाना है। इस कैमरे को अपना बेटा समझकर तिलक लगाइए। सर जी, हा? आप भी लगाओ ना। ये नाटक मेरी वाइफ के सामने चल सकता है, मेरे सामने नहीं चलेगा। चला। कोई बात नहीं सर, स्माइल प्लीज। ये कार्यक्रम जल्दी खत्म करो, खाना शुरू करना है। डालिए मत, सिर्फ डालने की एक्टिंग कीजिए। अरे भैया जल्दी करिए ना, हाथ में दर्द हो रहा है। ओके मैडम, स्लो डालना, गुलाब की पंखुड़ी नजर आनी चाहिए। सुनो जल्दी काम खत्म करो। ए वेंकी इधर आ। बोलो जीजा। अरे वो मैं पेड़ पास मंगवा कर पहले से ही रख दिए। ठीक है। क्या ठीक है, देखने में खाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन स्वाद नहीं आता। ऐसी बात क्या नहीं है, वो सुनो कड़ी ने उसको हटा दूंगा और गेट में हर जगह लाइट लगवा दूंगा मैं। अरे मेरी बात पंडित जी की बात कर रहे हैं ना आप, उनको फोन करना, 5 मिनट में आ जाएंगे वो। पहले तू मेरी बात तो सुन। बोलता रहूंगा मैं, सुनता रहूंगा क्या? तुम्हारे बेटे की शादी है मेरे बेटे की? दीदी रमेश। हाँ जी जी। अरे वो मैं दुल्हन के बारे में। अरे क्या समझ में आया है तुझे? बोलो जीजा जी। भाई दुल्हन की वो पुरानी पुरानी साड़ियाँ गरीबों में बांट देनी है, यही ना? ये बोलने वाली बात है क्या? अबे सबको ठिकाने लगा देता हूँ। अरे अरे इधर आ बेटा। हाँ इधर। बोलो जीजा जी। बेटा तू जाकर दुल्हन के कपड़े मिले कि नहीं मिले ये जाकर इतना पूछ ले। ठीक है जीजा जी। कमाल के साले मिले। क्यों वेंकटेश्वर जी, शादी में लड़की वाले ही खर्च कर रहे हैं क्या? तुम जो कह रहे हो सही नहीं है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जो भी करना है ना बस मुझे ही करना है। बात तो ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, एक ही तो बेटी है उनकी। शादी के बाद तो सब कुछ आपका ही होना है ना। अरे रमेश। क्या हुआ जीजा जी? अरे देखो भाई इनकी प्लेट खाली है और खाली पेट कोई कुछ भी बोलता है, जल्दी से कुछ लाकर प्लेट में डाल दो। क्या हुआ, जो लिया सब खा लिया क्या? एक बात बता। हाँ। तेरे जीजा से शादी के बारे में पूछता हूँ तो मिर्ची क्यों लगती है? शादी में हर माँ बाप टेंशन में रहते हैं, इसलिए पूछना नहीं चाहिए। साढ़े 6 बजे सारी गाड़ियां शादी के मंडप में पहुंच जानी चाहिए। हाँ। लड़के वालों के आने से पहले, समझ गया? हाँ, ठीक। जाओ पहले ये काम करो। ठीक है जी। नमस्ते सूर्य नारायण जी। हाँ भाई नमस्कार नमस्कार, सब ठीक है? हाँ ठीक है, आप ठीक हो ना? हाँ। आप जाकर आराम से बैठिए जी। हाँ। बेटी को आशीर्वाद देने आइए। बस मैं अभी आता हूँ। तथास्तु।
खुश रहो, प्रणाम करो बेटी। ये मेरा है, दूसरा खरीद ले, तुझसे बड़ा बच्चा हूँ। मम्मी। क्या चाचा जी, खाना खाकर पेट आगे आ गया? तेरे अंदर बात करने की तमीज नहीं है? आप जाइए। हर बार मेरी बहन बजाता, अब देखना तू। क्या यार? हाँ बोलो ना। रात की शादियाँ ठीक होती है यार, दिन की शादी में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता। सिगरेट है क्या? आप जानते हो मैं सिगरेट नहीं पीता। मेरे जीजा जी से तुझे बहुत तकलीफ होती होगी ना? उनसे नहीं होती, तुझसे होती है। कहाँ है तू? अरे आ रहा हूँ, एक घंटा दो स्टॉप बस। अभी दो स्टॉप्स बाकी हैं। ठीक है, मेरे दोस्त तुम्हें पिकअप करने आ जाएंगे। ठीक है मामा। मालिक यहाँ का सारा काम कर दिया है। ठीक है बेटी विजया। हाँ मामा जी। हाँ अच्छा, अब तुम्हारी सास कैसी है? उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता कि बच पाएंगे। अरे बाप रे, कल सुबह शादी है और तुम्हारी सास है कि हमारी टेंशन और बढ़ा रही है। आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं मामा जी, इतनी जल्दी नहीं जाने वाली वो। मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन सोचना पड़ता है। अरे आप इसकी बातें छोड़िए, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? बेटियों की शादी में कोई बाधा डालता है क्या? ये लीजिए कॉफी पीजिए। अच्छा बेटी, ठीक है मामा जी। हैप्पी मैरिज लाइफ यार। ए फोटो निकाल। माही मोनम दोनो गोविंद गोविंद येनी कोलुवावो मनसा भाव मोनो। मस्त है। क्या वैंकी भाई, बहुत अंगूठियां पहन ली? बहुत मेहनत करके कमाई है ये। वो तो दिख ही रहा है, सब कुछ तुम्हीं ने किया है ना। अरे गहरे की शादी नहीं है, समझ में आया तुझे? भांजे की शादी है, इतना तो होना ही चाहिए ना। कितना दिया है? अरे कितना दिया, क्या लिया कुछ नहीं पता। जॉब करती है? क्यों दिमाग खराब करा, जाके खाना खाना। अरे बड़े हो इसलिए पूछा। अरे गधे की तरह क्या खड़ा यार, जाके खाना खा। वहाँ पर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है पता है, लेकिन तू समझ रहा है ना मैं किसको बोल रहा हूँ? चुपचाप मुंह बंद करो, खाना खा। अरे रमेश जी जाकर फोटो खींचे ना। प्रकाश मामा की छोटी बेटी। तुम्हें पता है मामा, तेरी बहन लगती है। मामा दूल्हा तेरा क्या लगता है? वो मेरा भाई लगता है। उनके दादा के छोटे भाई क्या लगते हैं? दादा। उनके छोटे बेटे और बहू की बेटी है ये लड़की, इसलिए तेरी बहन लगती है। अरे इतने दूर का रिश्ता आजकल कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता मतलब? लेकिन बहन बहन ही होती है। अरे बोल तो रहा हूँ, आजकल कोई नहीं मानता है मामा। अच्छा बता तेरा गोत्र क्या है? गुलेरे। उसका भी गोत्र वही है, सुजाता गुलहरे। दरअसल मैंने उसकी माँ को पटाना चाहा। तेरी छोटी बाकी बेटी तेरी क्या लगती है? बहन। क्यों? इसलिए छोड़ दिया उसे। मेरी कुछ समझ में नहीं आया मामा। उलझे हुए रिश्ते तुझे समझ में नहीं आएंगे, चल पीते हैं। ठीक है। अरे बेटी तुम्हारी माँ कैसी है? वो अच्छी है। उन दिनों में मम्मी से बोलना याद कर रहा था। दीदी। हाँ खाना हो गया ना? हाँ जी। बेटी रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह शादी का कार्यक्रम भी जल्दी शुरू करना है, जाओ जाकर सो जाओ। दीदी। हाँ क्यों रे, तुझे अलग से समझाऊं क्या? जाकर सो जा। ए, इस पर ध्यान रखना। तारते है।
तुम्हें शादी नहीं करनी थी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड लवर तो नहीं? शादी नहीं पसंद थी तो बोलना चाहिए था ना, तो हमारी बात यहां तक पहुंचती नहीं थी। मैं पहले बोलना चाहती थी लेकिन शादी कोई मजाक नहीं है ना, दो परिवारों की इज्जत का सवाल है, तुम्हारी वजह से कितने झगड़े हो जाएंगे। इतनी दूर तक तो मैंने सोचा ही नहीं। इतनी दूर तक सोचती ना तो इतनी दूर तक बात ही नहीं आती। ठीक है छोड़ो भूल जाओ मधु, ठीक है अब जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते ना। यहां कुछ गड़बड़ होगी तो उसे मैं देख लूंगा, तुम जाओ। प्रॉमिस, यहां पर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं देख लूंगा, तुम जाओ ना। ये बैग मेरा ही है। तुम्हारा? मतलब मेरा, मतलब मेरा नहीं है, वो मेरी माँ की साड़ियाँ है ना, वो भूल गई थी ड्राइवर के पास, वो देकर गया। क्या हुआ? मैं भी कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी फ्रेंड ने कुछ मेकअप का सामान दिया था, वही लेने आई थी। आपने कुछ भी सोच लिया उस पर मैंने भी हाँ में हाँ भर दी। तुम कुछ भी कहो और मैं मान लूंगा। एग्जैक्टली, आपने बोला उस पर मैं विश्वास कैसे करूं? और शादी कोई मजाक तो नहीं है ना, आप झूठ नहीं बोलते तो मैं भी झूठ नहीं बोलती। चलो लेट हो रहा है, सुबह शादी भी करनी है ना। ये क्या परफॉर्मेंस कर रही हो, तुम्हें शादी पसंद नहीं है ना तो चुपचाप चली जाओ, ड्रामा मत करो। मेरा परफॉर्मेंस ड्रामा है तो तेरा टिकटॉक है क्या? मेरा? इज्जत से बात कर रही हूँ तो डराने की कोशिश मत कर, मैं डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझ में आई मेरी बात? अंदर ओरिजिनल कुछ और ही है। आप चली जाओगे तो अच्छा रहेगा, जाइए ना। आप जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। रहेगा लेकिन क्या है ना। क्यों बे वीरू, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मामा सुबह शादी और तुम लोग यहाँ रोड पर क्या तमाशा कर रहे हो? अरे मामा वो मैं... तेरी पत्नी होने वाली है। अरे मामा क्या, कुछ देर सब्र कर, एक रात रुक नहीं सकते। वो बात नहीं है। सुनो बेटी, ये बैग तुम्हारा ही है ना, लाओ इधर दो। तो समझा तू? क्या समझ गया? इसने बुलाया तुम्हें और तुम यहाँ आ गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जानती हो ना। अरे मेरी बात, चुप रहो, चलो मैं कहता हूँ चलो। तुम अंदर जाओ और ये लो अपना बैग लेकर अंदर जाओ, और वापस आना तो लेकर मत आना। मामा एक बार मेरी बात तो सुनो। मामा ये है तेरा रूम, एक बार सुनो तो सही। अरे क्या सुनूं मैं, छोटी बच्ची है वो, मेरी बात तो सुन, उसको थोड़ा टाइम दे, उसको थोड़ा समझने दे। बात सुनेंगे तो मेरी बात सुन, तेरी आंसू वगैरह नहीं है, मैंने कहा ना अंदर जा। कुछ नहीं हुआ भाई, ये मामा ना। कहाँ है तू? 10 मिनट में कृष्णा बार पहुंचूंगा। 1 घंटे में शादी के मंडप में होगा तू। गाड़ी ढकेलूंगा तो 50 मिनट और लगेंगे। तू फिर ढकेल। ओके। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, टेंशन मत ले। अगर लड़की चली गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, अगर नहीं गई तो। कहाँ चली गई? अरे अरे आग उधर भी लगी है, आज के बच्चों में जरा से भी सब्र नहीं है। अरे वेंकी, शादी का काम तू ही देख रहा है। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। फिर तू यहाँ क्या देख रहा है? इधर जो हो रहा है वो कोई नहीं देखेगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल। हाँ। लगता है जा रही हो, बाय। आप भी रेडी हो ना? आपको भी बाय। मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, बैठ जा, मंगलसूत्र बांध देता हूँ। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मंगलसूत्र ही पहनूंगी। देखो, देख रही हूँ। अच्छा तो सुनो। सुन रही हूँ, बोलो।
शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ। अरे 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 सुनो, सॉरी, फ्रस्ट्रेशन छोड़कर बैठकर सॉल्व करें क्या? कितना भी करूं, हूं तो मैं लड़की ही ना, लोग बातें बनाएंगे। आप तो सब जानते ही है ना, हमारी बहुत ही संस्कारी फैमिली है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरे पापा पर क्या बीतेगी इसका डर बहुत है मुझे, उनका बीपी लो रहता है। मतलब आजकल लड़के और लड़कियों में कोई खास फर्क नहीं रह गया है? मैं भी शादी से चला गया होता तो भाग गया बोलते, मेरे घर वाले सम्मान के नहीं चप्पलों की बारिश करते। तुम्हें और एक इम्पोर्टेंट बात पता है, मेरा परिवार भी संस्कारी है। घटिया फैमिली नहीं है मेरी, तुम्हारे बाप को लो बीपी है तो मेरे बाप को हाई बीपी, पूरा मंडप जला देंगे। हम दोनों के केस में सेम प्रॉब्लम, सेम ट्रीटमेंट, सेम जजमेंट, कोई फर्क नहीं है। सेम कैसे हो सकता है, ऑलरेडी 9 बज गए हैं, इतनी रात को अकेली लड़की कैसे और कहां जाएगी? आप तो कैसे भी जा सकते हो। तुम्हें उसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक फ्रेंड पुणे से निकल चुका है, 1 घंटे में यहां पर पहुंच जाएगा, तुम जहां बोलोगी तुम्हें वहां छोड़ देगा। ऑल द बेस्ट। मैं नहीं जाऊंगी, जाना है तो आप जाओ, वरना जो होना है होने दो। ठीक, जो होना है होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है, इसलिए शादी से भाग रहे थे। हाँ, सच कहूं तो छोटी प्रॉब्लम से ही भाग रहा था। बकवास, ये फिल्म की कहानी है? मेरी कहानी ना, फिल्म की स्टोरी नहीं है, बकवास। बहुत अच्छे, तुम्हें जाना है ना तो जाओ, लेकिन मेरी कहानी को ऐसे फिल्मी कहानी मत कहो, ये असली कहानी है। ये पिक्चर मैं 2 बार देख चुकी हूँ, ये बहुत गलत है, इतना चीट करोगे तुम? हेलो, चीटिंग वीटिंग बोलकर मुझे कुछ भी मत कहो, मैं तो अपनी कहानी सुना रहा था बस। फिल्म की कहानी बता दी। आपकी कहानी ईमानदारी से बताते तो शायद मैं अभी चली जाती, पर अब मैं। क्या बात है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, अगर मैं अपनी असली कहानी बता दूंगा तुम्हें तो तुम चली जाओगी? अगर उसके अंदर सच्चाई होगी तो मैं जाऊंगी, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। बात यह है कि उस दिन पब में रुको, अब कौन सी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? ऐसा सोचोगी तो हर कहानी फिल्म की कहानी लगेगी ना। तो प्रॉमिस करो तुम्हारी कहानी में एक भी झूठ नहीं होना चाहिए, जो हुआ है वैसे ही बताओ। तो स्टार्ट करूं? तू क्या पी रहा है, तू जानता भी है इसको पीने से क्या होगा? मुझे समझ में आ रहा है, तू पिएगा ना तो तेरे को भी समझ में आएगा। वो सच बोल रहा है, तुम्हें आदत नहीं है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बस भी करो। अरे इनकी बात मत सुनो यार, आज एंजॉय करो, फुल एंजॉय, लागे डांस करेंगे, लिफ्टम चिपटम करेंगे इसके साथ। कुछ सीख इससे, सीख। ये पागल हो गया, इसकी तरह जीना चाहिए। मैं यहाँ पर उल्टियाँ करने नहीं आया हूँ। सॉरी भाई, तूने किस पे उल्टी की, पता है तुझे? क्या नहीं पता? मेरे दोस्त पे हाथ उठाया, तू बीच में क्यों आया? मेरा दोस्त है। हेलो ब्रदर, कहीं भी मारना लेकिन मेरे चेहरे पे मत मारना प्लीज। क्यों यार, पहले कहीं देखा नहीं है क्या? कौन है बे तू? आर्टिस्ट। अरे आर्टिस्ट हूँ, मेरा फेस खराब हो जाएगा, मत घसीट यार। उस समय क्या होगा मुझे पता नहीं था, ऐसा लगा मेरी जान जा रही है,
और तभी वो आए। रुको, मैं लेकर जाती हूँ। हेलो। जो धड़कने रुक गई थी वो फिर से धड़कने लगी। हेलो, मेरी आवाज सुन सकते हो? पता है साक्षात मुझे कौन नजर आए उसमें? डॉक्टर कृष्णा वेनी। सच में? मैं समझ गई हूँ, अब आगे बढ़ो। अब तो हैप्पी है ना? छोड़ेंगे नहीं उसे, उसका पता लगा कर उसे मारेंगे। आप उनको नहीं, तुझे मारना चाहिए। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, इत्तेफाक से फाइट हो गई ना। हेलो वीरू, वहाँ फाइट बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन उन लोगों ने हमें धो डाला है, उसके बाद तेरी मरहम पट्टी हुई है। ज्यादा मत सोच। तो क्या करूँ मैं? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। बोला था कि मत पी मत पी मत पी, फिर भी पिए जा रहा था, पिए जा रहा था। तुम लोग कौन हो? फ्रेंड फ्रेंड्स। थोड़ा साइड में हो जाओ। अच्छा था उसके बगल में नहीं, पीछे। तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बेटा गुड, ग्रेट। अबे क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है तू? रात में तुमने ज्यादा पी ली थी, डिहाइड्रेट हो गए थे तुम। डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, इस उम्र में तुम्हें ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, बस इतना ही। थैंक्स डॉक्टर। बिल भरने की सोच रहा हूँ लेकिन ये हाथ भरने ही नहीं दे रहा, और ये बालों के पास भी पैसे नहीं है। यही बहुत टेंशन हो रही है, दिमाग घूम रहा है मेरा। कल रात आपने मेरी जान बचाई डॉक्टर। बड़ी कमाल लग रही है ना? ये तो मेरा फर्ज था, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। डॉक्टर। यस। खिचड़ी वगैरह खा सकता हूँ ना मैं? खिचड़ी ही नहीं, सब कुछ खा सकते हो। अरे मेरी दादी भी ऐसा नहीं बोलती है यार, खिचड़ी खाओ खिचड़ी। अरे बालिया, लड़की कैसी है? लड़की तो कमाल की, लेकिन एक डाउट है यार, वो लड़की MBBS है और मैं BTech हूँ, मेल कैसे खाएगा यार? भाई एक काम करो, सेटिंग करा दो ना, बच्चा होगा तो तुम्हारा ही नाम रख देंगे। चप्पल टूट जाएंगी, दूसरी खरीद लूंगा। तेरी बहन लगती है, अब बोल कैसी लगी? बहन तो सबकी अच्छी होती है, तू राखी बंधवाएगा? हेलो, अब घर चलें क्या? अरे नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं तो बीमार हूँ। का काम? अबे तू चल पहले यहाँ से, चल। अरे यार ये यहाँ रहेगा तो सब गड़बड़ कर देगा। हाँ। हेलो डॉक्टर। हाँ? मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है। हाँ तुम ठीक हो, जा सकते हो। वो मैं जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओके ठीक है। क्या हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुए? हाथ बहुत भारी लग रहा है, मुझे उठा नहीं पा रहा हूँ। कब से प्रॉब्लम है? जब से लगी है तब से। अभी थोड़ी तकलीफ देगा लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा। सिस्टर तुमने नहीं बताया पेशेंट को? बताया मैम, पर मैं ही डर गया था। ओके। अब तुम घर जा सकते हो। पेट में दर्द हो रहा है, कहना मेरे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है, रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है मुझे, और ऊपर से हेडेक। चुपचाप चले जाओ। अरे तेरा छाया जुनो, अरे तेरा छाया जुनो, अरे जब से तुझसे मिला ना खुद से मैं तो मिला, तू मुझ में ऐसे मिला। मजनू मैं तू लैला, तू प्यार मेरा पहला, मैं सच कसम से बोला। दिल में तू है जाना, धड़कन में तू जाना, जानू दिल की सदा सुन ले, आशिक मुझे चुन ले माही। अरे तेरा छाया जुनू, अपनी खबर ना है मुझको। अरे तेरा छाया जुनू, हर पल सोच बस अब तुझको। अरे तेरा छाया जुनू, सर मेरी हालत देखो। अरे तेरा छाया जुनू, अरे प्यार मुझे करके देखो। दिल में तू है जाना, धड़कन में तू जाना, जानू दिल की सदा सुन ले, आशिक मुझे चुन ले माही।
कंटेनर। वो मेरा हाथ अब बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी बात है। तो लंच पर चलें? जोक सुनो। हाँ जोक सुनो। अगर मुझे हंसी आ गई तो लंच पर चलूंगी। नहीं आई तो? तो नहीं। 10 seconds. 1, 2, 3, 4. एक हाथी और एक मच्छर ने शादी कर ली। लव मैरिज? हाँ। उसके बाद? फर्स्ट नाइट। सब कुछ अरेंज कर लिया। हाँ। हवा के अंदर एक लहर थी और फूलों की खुशबू रूम में आ रही थी। तन बदन में आग लगी हुई थी। हाथनी रूम के अंदर वेट कर रही थी, लेकिन मच्छर दूध के साथ बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहा था? शायद हथनी को देखकर। तो फिर दूध का गिलास भारी होगा। नहीं मैडम, वो हथनी ने मच्छरों से बचने के लिए क्रीम लगा ली होगी। हाँ सच में मच्छरों वाली क्रीम लगा ली। मच्छरों वाली क्रीम लगा ली। अरे मच्छर हथनी से शादी कर भी सकता है क्या? इस तरह लड़कियों को बाहर ले जाना तुम्हारी आदत है क्या? नहीं नहीं, तुम फर्स्ट हो। मैं ही क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। क्यों, शादी नहीं करोगे? नहीं 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 करोगे? मेरा मतलब हाँ, वो भी होगा ना। पक्का? पक्का। तेरे प्यार में पहली नजर में हुए, तेरे बिना अब दिल ना लगे, पागल दीवाने हुए। अरे तेरा छाया जुनू रानी मुझे है अब आती। अरे तेरा छाया जुनू मुझे याद तेरी है सताती। अरे तेरा छाया जुनू ना सांसे तेरे बिन चल पाती। अरे तेरा छाया जुनू ख्यालों में भी बस तू आती। दिल में तू है जाना, धड़कन में तू जाना जानू। दिल की सदा सुन ले, आशिक मुझे चुन ले माही। अरे जब से तुझसे मिला ना खुद से मैं तो मिला, तू मुझ में ऐसे मिला। ओ, 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 मजनू मैं तू लैला, तू प्यार मेरा पहला, मैं सच कसम से बोला। दिल में तू है जाना, धड़कन में तू जाना जानू। दिल की सदा सुन ले, आशिक मुझे चुन ले माही। हेलो, विक्की बात कर रहा हूँ, आर्टिस्ट। 5,000 दोगे तो शूट पे आता हूँ। ठीक है। अरे बालू, हम लोग किसमें बेस्ट हैं? कन्विंस पे कर देना, ठीक है? नहीं, 200 रुपए तो लगेंगे। हाँ देना होगा। ए बालिया, हम लोग किसमें बेस्ट है बोलना। अरे भाई, हम लोग बहुत सारी चीजों में बेस्ट हैं। अब एग्जांपल बोले तो हमारे पास पैसों की कमी होती है, लेकिन हम सस्ती चीजें कभी नहीं पीते, हमेशा ब्रांड पीते हैं। अब अपना जो ब्रांड है ना, 5,500 में मिलता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं किसमें बेस्ट हूँ बोलना। तू तो हर चीज में बेस्ट है। अरे तो फिर बोलता क्यों नहीं यार। अरे अभी बोलता हूँ भाई। यार बालू, कभी कभी ना मुझे अपने आप से ही जलन होती है यार। वो क्या है कि कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। एक दो पैग मार लेने का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। 5,500।
हेलो, डिनर में आओगे ना? आ जाऊंगा मेरी शोना, आज जरा काम ज्यादा है, लेट हो जाएगा, लेकिन मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही फोन पे बातें करते रहोगे? कौन है ये? श्वेता, इस पर काम का भूत सवार है। अरे इधर हमें बहुत सारा काम है, आप फोन रखेंगी प्लीज? अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, फोन क्यों काटा? लेट्स गो। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, 24 साल से कर रही हूँ। मैं 25 साल पहले निकल पड़ा था, रास्ते में श्वेता को ड्रॉप करने रुका ना, इसलिए लेट हो गया। सर, मेन्यू। कार से ड्रॉप किया तुमने? नहीं, बाइक से। वीरू, एक बात बताओगे क्या? वो बाइक पर कैसे बैठी थी? ऐसे वन साइड पैर करके बैठी थी या टू साइड? हाँ। अब ऐसे ही बैठेगी ना, वन साइड कौन बैठता है? सच बताओ। वो क्या है ना, आजकल लड़कियां जीन्स ज्यादा पहनती है ना, तो अगर एक साइड बैठेगी तो उतना कंफर्ट नहीं रहेगा। तुम्हें पता नहीं हमारे रिलेशनशिप में मैं कितनी सीरियस हो गई हूँ। मैं भी सीरियस हूँ बेबी, लेकिन वो जस्ट मेरी फ्रेंड है, तुमको वरीड होने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। क्या वो बहुत खूबसूरत है? तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं। इसका मतलब खूबसूरत है वो। कृष्णा, कृष्णा, अरे कृष्णा मेरी बात तो सुनो। कृष्णा प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। कृष्णा प्लीज मेरी बात तो सुनो। कृष्णा, 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 अंदर चलकर बात करते हैं ना, अच्छे से पूरी बात हो पाएगी। प्लीज। तुमसे कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है, दे दो ना। यू सच अ ब्लडी। जाने दो, छोड़ो, उसके मुंह नहीं लगते। वो गंदा बोल रहा है और तुम खड़े खड़े सुन रहे हो। तुम मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो। मैं सरदार नहीं हूँ, सन ऑफ सरदार हूँ। अगर मेरी जगह श्वेता होती तो भी तुम ऐसा ही करते। आखिर तुम चाहती क्या? तुम चाहती हो मैं उसको जाकर मारूं? इससे यकीन हो जाएगा कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। पकड़ो नहीं तो टूट जाएगा। इसे मारने से क्या फायदा, चलो यहां से। हाँ।
सब थक गए साले, देखा थका दिया सबको। ज्यादा लगी तो नहीं? लगी तो होगी ना, लोहे का बना हूं मैं, फ्रैक्चर हो गया होगा। मैं उनकी नहीं, तुमसे पूछ रही हूँ। अरे फाइट मतलब हमेशा विलन को ही थोड़ी पड़ती है, कभी कभी हीरो को भी तो पड़ती है ना। अब चलें। मेरे साथ अंदर चलो तो मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। डरो मत, प्लीज कम। इसे जलेगा तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। I'm sorry। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, ये तो जरूरी है। सब मेरी वजह से हुआ है। I'm अरे sorry। अरे छोटी मोटी मारपीट के लिए तुम इस तरह से मुझे सॉरी थोड़ी ना बोलोगी। अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना, अब तुम हैप्पी हो ना, खुश हो ना। लगा दो। हमारे बीच में ऐसा हो सकता है, ये तो मैं पहले से पता था ना, तुमने यही प्लान बनाया था ना। तो ये क्या प्लान की हुई मार नजर आ रही है तुम्हें? तुम डॉक्टर ही हो ना? I'm sorry, मैं जरूरत से ज्यादा ही सोच लेती हूँ। तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? मैं तो अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस एक ही चीज सोच रहा हूँ मैं। ओहो, अब मैं बात नहीं करूंगी, चुप। अरे मैं साइलेंस क्यों नहीं रह पा रही हूँ, मेरा बोलने का इतना मन क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं खामोश क्यों नहीं रह पा रही हूँ, क्यों बोले जा रही हूँ मैं? I'm sorry। नहीं, it's okay। मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। I'm sorry। Okay। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया, मुझे पता है। It's okay। इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? गुस्से में? गुस्सा क्यों? मुझे टेंशन हो रही है, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ तो समझने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ। देखो, एक लड़की को कभी भी तकलीफ मत देना, पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो वही तो कर रहा हूँ ना मैं वही बोला। ऐसे ही मैं यहाँ पर लेट गई तो तुम मुझे गलत समझ लोगे क्या? अरे तो मैं वही तो कह रहा था ना। लीव फ्रॉम हियर कृष्णा, राइट नाउ, राइट नाउ। सिद्धू, ये सब ठीक नहीं है। क्या? जो तुम कर रहे हो। भूख पड़ना तो कोई बुरी बात नहीं है। लिबर्टी गार्डन, तुम मेरी कमर देख रहे हो। What? नाटक मत करो, तुमने देखी? नहीं देखी। देखी? अरे बोला ना नहीं देखी। तुमने देखी, मेरी कमर देखी, बहाने मत बनाओ अब। भुला दे तू टेंशन यारा रे, जिले तू बिंदास यारा रे, मजे ले ले खूब ले, मस्ती में नाच रे, मजे ले ले खूब ले, मस्ती में नाच रे। किसे है पता क्या कल होगा, जिनका कैश कर हर मौका, जाने कब क्या होगा, रामा लफड़े बहुत।
मेरा माँ रोज नया होता यहाँ पे ड्रामा देखो हाल हुआ ये रामा मजल ले खूब ले मस्ती में नाच रे 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 नाच रे नाच रे भुला दे तू टेंशन यारा रे जिले तू बिंदास यारा रे मजल ले खूब ले मस्ती में नाच रे मजल ले खूब ले मस्ती में नाच रे किसे है पता क्या कल होगा जिनका कैश कर हर मौका मजल ले खूब ले मस्ती में नाच रे 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 नाच रे नाच रे दूध वाला दूध वाला दूध वाला बोलो कितना दूध चाहिए आपको ए चाचा जी आप अबे कंस्ट्रक्शन की जगह पे तू दूध बेच रहा है शर्म नहीं आती एक बहुत बड़ी फिल्म में दूध बेचने वाले का रोल मिला है चुप कर उल्टी सीधी हरकतें करना कब बंद करेगा पागल कहीं का भैंस का दूध गाय का दूध दूध वाला वो भगवान को हाथ जोड़ रहा था गाड़ी से गिर गया था ना क्या कहा बाइक से जा रहा था सामने साईं बाबा का मंदिर आ गया बाबा को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया उसी चक्कर में मैं गिर गया तेरा बाप इतना बड़ा गधा अच्छा नहीं तो है तूने छोटा बच्चा समझ रखा है अपने बाप को सही खाना अंकल हाँ सुन गाड़ी से गिरने पर ऐसी चोट लगती है क्या अब पापा चोट बोलकर थोड़ी लगेगी कि कहाँ लगना है ए सुन बहुत ज्यादा बोल रहा है घर में अगर बीबी भी हो ना तो भी ऐसी चोट नहीं लगती अब क्या बोल रहे हैं पापा कोई लॉजिक देना भी है तो ढंग का दीजिए ना बेकार का लॉजिक मत पूछ इसकी शादी करवा दो लॉजिक समझ में आ जाएगा अंकल पापा मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए अब मैं बड़ा हो चुका हूँ पापा अभी इतना बड़ा नहीं है तू चार पैसे क्या कमाने लगा है ज्यादा बोलने लग गया है बाप ने पढ़ा लिखा दिया है इसीलिए कमा रहा है तू अब ये कहने आए थे यहाँ पर नहीं शादी कर लो यही कहने के लिए आया हूँ मुझे टाइम चाहिए टाइम चाहिए जब मैं तेरी उम्र का था ना तभी तू पैदा हो गया था अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दे मैं डॉक्टर से डिस्कस कर लूंगा ऐसा कुछ नहीं है नहीं है तो अच्छा है नहीं तो प्रॉब्लम है ए सुन तुझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरी प्रॉब्लम वो है अंकल बेटी कौन सा गांव है तुम्हारा गाजियाबाद गाजियाबाद वहाँ किस परिवार से रामकृष्ण जी की पोती हूँ मैं रामकृष्ण की पोती है ये बेटी ये टारजन का बेटा तुम्हें कैसे पसंद आ गया कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो ठीक है दूध कम पिया कर भूख हड़ताल पे चला जाऊं हाँ कृष्णा बोलो मैंने डैड से बात की अपने बारे में तुम मेरे घर आकर मेरे डैड से मिलोगे ना बचा लिया तुमने कृष्णा अच्छा तो तुम आओगे ना पक्का बताओ कब मिलना है गरीबों को बचाने के लिए गए थे क्या तुम अपना रक्त देकर तुम सबको बचाया है प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे जल तू जलाल तू आई यार बहुत टेंशन हो रही है अगर ऐसे ही टेंशन में रहेगा ना जल तू जलाल तू गुलाटी मारेगा गुलाटी मारेगा अरे गुलाटी उलाटी छोड़ इधर आ मेरे साथ एक आइडिया देता हूँ ग्रीन वर्ल्ड अब तू जहाँ जा रहा है ना वहाँ तुझे 10 लोग मिलने वाले हैं सही कहा उनमें वहाँ तो सिर्फ अकेला बकरा बिल्कुल उनमें तुझे एक समझदार ढूंढना है और उसके बाद तू उसकी तारीफ करना वो तेरी तारीफ करेगा वो तुझे झाड़ पे चढ़ाएगा तू उसे झाड़ पे चढ़ाते जाना वो तेरी जय जयकार करेगा तू उसकी जय जयकार करते जाना लड़की के परिवार वाले तुझसे इम्प्रेस होंगे पक्का है तुझे कुछ डाउट हो रहा है क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या जहाँ विश्वास नहीं है प्यार नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा विश्वास नहीं है इसलिए नहीं लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं समाज जो हमें देता है वही हमें समाज को सूद समेत वापस लौटाना होता है भर भर के ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है ठीक है बस कर शर्ट कैसी है बकवास कोई चीज बकवास नहीं होती है मेरे मालिक प्रभु 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 क्या हो गया निकल लेने तो आत्मा आ जाएगी वेलकम सर ये शर्ट बहुत अच्छी है ना ये सिलेक्ट बालू ने की है ज्यादा बोलना मत प्लीज ओके लेट्स गो
डैड वीरू नमस्ते ज्यादा मत बोलना अरे कुछ नहीं बोलूंगा क्या करते हो तुम जवाब दो ओ कंस्ट्रक्शन बिजनेस खुद का है ओ मेरा बेटा भी देवी बिल्डर्स अरे चुप क्यों है बढ़ा चढ़ा के बोलना बोल 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 देवी बिल्डर्स मार्केट में आपकी कितनी तारीफ होती है मैं जानता हूँ थैंक्स डैडी ने जो काम स्टार्ट किया था अब मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूँ और हाँ कृष्णा ने बताया था आपने भी अपना काम स्टार्ट किया है सुनकर बहुत खुशी हुई कन्फर्म है तेरा काम हो जाएगा अरे ऐसी कोई बात नहीं है आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है मार्केट में खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल है आजकल लेकिन सच कहूं तो आपकी बात कुछ अलग ही है बुर्ज खलीफा ले लो मियां खलीफा इन सबको डेवलप किसने किया है आप लोगों ने आप जैसे लोग नहीं होते तो ये सारी चीजें हो सकती थी क्या बचपन से मेरे दोस्त का बेटा हर चीज में परफेक्ट है दोस्त का बेटा हाँ मेरे दोस्त का बेटा है कृष्णा से इसकी शादी कराएंगे बचपन में ही सोचा था क्या रे माफ कर दे मैं फेंकूं फेंकने के लिए तू नहीं कहा था अरे छोड़ दे भाई छोड़ दे छोड़ बोला अब ऐसे आइडिया ले तू छोड़ दे छोड़ दे मैं तुझे फेंकूंगा सॉरी कृष्णा मुझे वो कौन है पता नहीं था ना ऐसा क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया है वो बालू ने मुझे कहा कि नहीं तुमने जानबूझकर किया है गलती की है मैंने बहुत बड़ी गलती की है मैंने मैंने लाइफ का बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया लेकिन कृष्णा ऐसा क्या हो गया है मुझे पागल क्यों बना रहे हो मैं पसंद नहीं हूँ तो सीधा बोलो ना अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो झूठ मत बोलो रोज मैं आई लव यू के मैसेज करती थी आई लव यू टू बोलकर तुम रिप्लाई करते थे लेकिन कल क्या किया तुमने कल कल क्या बोलो क्या भूल गया था गुड नाइट बोलकर मैसेज किया मुझे तो लगा कि गुड बाय कर दिया तुमने तुम कुछ भी सोचकर मेरे बारे में डाउट क्रिएट कर रही हो डाउट नहीं कर रही हूँ मैं सब समझ चुकी हूँ अरे देवा अगर तुम ऐसा ही करोगी ना तो पूरी लाइफ नहीं चल पाएगी जो करना था कर दिया अब तो मुझे छोटी बच्ची की तरह कन्विंस मत करो छोटी बच्चे की तरह क्या तुम छोटी बच्ची ही हो अरे मुझसे छोटी सी गलती होगी तो क्या हुआ ठीक है ना अब इस छोटी सी बात को समझने के बजाय तुम बात का पतंगड़ बनाए जा रही हो सच कहूँ ना अब तो मुझे तुम पर डाउट हो रहा है कृष्णा कृष्णा वो क्या है ना कि मैं बोलना कुछ और चाह रहा था कृष्णा नहीं मैं सच में कुछ और कहना चाह रहा था सॉरी कृष्णा छाया जादू अरे तेरा छाया जादू अरे तेरा छाया जादू दिल में तू है जाना धड़कन में तू जाना जानू दिल की सदा सुन ले आशिक मुझे चुन ले माही दारू रेडी चकना रेडी हम लोग भी रेडी
बस नजर उतारना बाकी। अबे लाख रुपए का फोन है, ऐसे मत फेंका कर। गुस्सा निकालना है तो इस पे निकालना। अरे उस बात को कितने दिन हो गए, आज तक मेरा फोन नहीं उठा रही। सर। हाँ रवि। मैडम ने आपको ये देने को कहा है। चलता हूँ सर। मैं तो तुम्हें एक छोटी बच्ची नजर आती हूँ ना, यही कहा था ना तुमने, अब समझ में आया? वो क्या है ना कृष्णा, उस दिन जो बात हुई उसके बाद मैं तुम्हें समझ गई। आई हेट यू, तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। दोबारा फोन मत करना, गुड बाय। ये लड़की पागल है या इसका दिमाग खराब है? अबे तू इस तरह रो क्यों रहा है? क्या यार, ऐसे टाइम पे रोएगा नहीं तो हंसेगा क्या यार? ये क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ, बोलना। अरे बोलना भाई, क्या हुआ? अरे बोलना, देख यार तुझे रोता हुआ देख करके मुझे भी रोना है यार। रो रहा हूँ मैं, और क्या करूं? अरे यार लाइटली लेना, ये लड़की नहीं मिली तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी। तुझे पता नहीं है मार्केट में एक से एक बढ़कर सॉलिड ऑप्शन है। मेरे लिए वो एक ही है। इस तरह मूर्ख लोग बात करते हैं। सत्यम तेरा बाप। हाँ बोलिए। क्यों रे, लड़की की फोटो देखी? नहीं। इसका मतलब लड़की देखने नहीं आएगा? नहीं आऊंगा। ऊपर स्लेब डालना शुरू कर दिया? डालना शुरू कर दिया। कैसे डालेगा तू, मैंने पैसे तो भेजे ही नहीं। अरे ए, हाँ? फोन पकड़ जरा। कितनी बार कहा कि ऐसे मत उखाड़ा करो। स्पीकर ऑन करूँ क्या? जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनाई दे। वो जो बोल रहा मुझे सुनने की जरूरत नहीं। ए, मैंने जुबान दे दी और जुबान की कीमत होती है, सुन मेरे सामने नाटक मत कर। मैं तुझसे जो कहूंगा ना तो वो ही करेगा। मेरी बात को दिमाग में बिठा ले। तुझसे सहन नहीं होती तो इतना क्यों पीता है यार? कुछ नहीं यार, हम लोग भी वही बोल रहे हैं, तुझे कुछ नहीं हुआ। अब वो लड़की किसी और से शादी कर रही है तो तू इसमें क्या कर सकता है, समझना भाई। दारू पी के भी उसे भूल नहीं पाता है, ज्यादा पीता और बेहोश होकर गिर जाता है। अरे छोड़ो, क्यों बहस कर रहे हो? अरे मामा, ये कहाँ से अटपका? आखिर क्या हुआ तुझे? आप अभी आए मामा? कल रात को ही तेरे पलंग के नीचे आकर चुप गया था मैं कब आया उसे क्या लेने देना, पहले ये बता क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ मामा। कुछ नहीं हुआ फिर भी तू यहाँ एडमिट है, ऐसे नहीं मानेगा तू? मामा, मामा, मैं तुझे बताता हूँ। रोकना यार। अरे यार मामा जी, जो बोल रहे हैं उसे सुनो ना भाई। बोल क्या हुआ इसे? इसने एक लड़की से प्यार किया। इसने प्यार किया? अब वो लड़की किसी और को प्यार कर रही है, इसी दुख में थोड़ी सी ज्यादा गटक गया। जफर गधा का गधा ही रहा तू, अगर उसने मना कर दिया तो चुहे की दवा पिलेगा। क्या मैं क्यों पीऊंगा? अरे अपने माँ बाप के बारे में सोचा तूने? अरे बचपन से तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, तुझसे कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं और तू चुहे की दवा पी रहा है? मेरी बात सुनो मामा जी। नहीं अरे अरे से क्या कर रहे हो यार? मामा जी, मामा जी, मामा जी। उसने शराब पी है। इसने एक लड़की से प्यार किया? हाँ किया। अब वो लड़की दूसरे से शादी कर रही है? कर रही है शादी। उसी के गम में चूहे की दवा पी के ये एडमिट हो गया क्या? अरे मामा मेरी बात सुनो, उसने पी थी। मैं यही तो बोल रहा था आपसे। हाँ? अरे उसने जो पी वो दारू थी, 25 साल पुरानी थी, इसीलिए पीते ही बेहोश हो गया वो। ऐसा है क्या? लेकिन वो तो बहुत स्मूथ होती है, दो कड़क पीने के बाद भी चढ़ती बिल्कुल नहीं है। इसने उस लड़की के चक्कर में शराब पी है, बता इस लड़की में क्या कमी है? बता इसमें क्या कमी है? ये वो नहीं है। सॉरी ये सनी लियोन थी। बता इसमें क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम? जब तक तेरे बाप से बात नहीं करूंगा ना। इसमें भी कोई कमी नहीं है, सच कह रहा हूं। बदल गया? सच में करेगा ना तू? हाँ करूंगा। तूने चूहे की दवा पी थी, ये पापा को नहीं बोलना, मैं भी नहीं बोलूंगा। आप किसे फोन कर रहे हो? हाँ जीजा, शादी करने को तैयार है, लड़की बहुत पसंद है उसे। सारी बातें फोन पे नहीं करते जीजा। ये बिल्कुल तुम पर ही गया है। सुन बे, चूहे की दवा कहीं भी दिखे बाहर फेंक दो। सॉरी वीरू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है
कल मेरी शादी होने वाली है। तुम आकर बचा लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बहुत ज्यादा हो चुकी है, कल सुबह शादी के कार्यक्रम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं, जाओ जाकर सो जाओ। जोड़े तुझे अलग से समझाना पड़ेगा, जा जाकर सो जा। प्यार इज ग्रेट। रुको रुको, अपने प्यार के लिए लास्ट मोमेंट में भी उसे पाने के लिए शादी छोड़कर जा रहे हो? वाकई उससे बहुत प्यार करते हो आप। यू आर रियली ग्रेट। तुम्हारा प्यार जीतना चाहिए, मतलब आपको जाना चाहिए। इतना इमोशनल होकर मेरे प्यार को जिताने की कोशिश मत करो, शादी छोड़कर तुम ही जाओगे। भला मैं क्यों जाऊं? प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम ही जाओगे। हाँ सही है, प्रॉब्लम मेरी है और स्टोरी भी मेरी है, तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। शादी से कौन भागेगा ये बताओ, मेरा दोस्त 10 मिनट में आ जाएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन जाएगा कौन रुकेगा। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कोई भी गलती करती थी तो कुछ भी नहीं बोलते थे, कोई कुछ भी कहता था तो भी नहीं मानते थे। अरे अरे रुको, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ ना, शुरू से मत शुरू करो, शादी से क्यों भाग रही हो ये बताओ। मैं तो अपनी कहानी शुरू से ही बता रही हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम तो कब से शुरू हुई है, मेरी प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। ओ ठीक है, कंटिन्यू। अरे ओ इंद्रा बिटिया, अरे इतनी अच्छी चोटी काट दी, ये किसकी शैतानी है पता है तुझे? ये जरूर तेरी बेटी की शरारत होगी। मेरी माँ को मुझे डांटने या मारने से पहले मेरे पापा नजर आ जाते थे। और दूसरा मेरे पापा का गुस्सा। तुझ में अकल है कि नहीं? जाने दो ना मौसी। तू तो यही बोलेगी ना, अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलोगी, बिगाड़ो और बिगाड़ो, जिंदगी भर घर में बिठाना है क्या? लगता है इसकी शादी वादी नहीं करनी। तू नहीं सुधरेगी, सब उल्टे सीधे काम करेगी। दिखा क्या है तेरे हाथ में जिससे तूने उनकी चोटी काट दी, तेरे पापा की वजह से उछल रही है ना। देखना एक दिन तुझे ऐसा पति मिलेगा ना जो तुझे अच्छे से सबक सिखाएगा, तब उछलना। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। बेटा मधु, बेटा मधु, क्या हुआ बेटा? पापा मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। हाँ बेटा मेरे पास ही रहेगी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आजा सो जा, आजा। पूजा कर रही हूँ और तू प्रसाद झूठा कर रही है, ऐसे ही करती रही ना तो एक दिन तुझे शैतान पति मिलेगा। उनका जुल्म सहते सहते मैं थक गई हूँ डॉक्टर बाबू। दीदी आप भगवान हो भगवान। शर्म नहीं आती? लड़कों की तरह जीन्स पैंट पहनकर बस्ती में साइकिल चला रही थी, तेरे बाप ने सर चढ़ाया है और तू हंस रही है। ऐसे ही हंसती रही ना, जब तेरा पति तेरी आजादी छीनेगा ना तब पता चलेगा। क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं पापा, टेक इट लाइटली। ये देखो, हाँ ये देखो, ये लड़का कैसा है देखकर बताओ। तेरी आजादी छीनेगा, तेरी हंसी छीन लेगा, घर छोड़कर जाएगी तब पता चलेगा। मधु, मधु, पापा ये क्या है? अरे वो छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ ये लड़का तुम्हें कैसा लगा वो बोलो। अच्छी जॉब करता है, अच्छी फैमिली है, जमीन जायदाद भी बहुत है।
लड़के के पास सब कुछ है ये तो ठीक है, क्या लड़का अच्छा नहीं होना चाहिए? क्या ये खराब है? नाक थोड़ी टेढ़ी है। ओह, फिर ठीक है। ये लड़का कैसा लगा? फैक्ट्रियां हैं, वाइन शॉप है। वाइन शॉप? लेकिन शराब पीने की इसे आदत नहीं है। एक दिन देखना आदत पड़ जाएगी, वाइन शॉप वाला नहीं। डॉक्टर? वो घर से ज्यादा बाहर हॉस्पिटल में रहते हैं, बीवी से ज्यादा बीमार लोगों के साथ रहते हैं, मुझे डॉक्टर से नहीं करनी। बेटा ये लड़का तो अच्छा है ना? पापा ये स्पोर्ट्स बाइक पर बैठा है, 50-60 पर नहीं चलाएगा, 150-160 पर चलाएगा। घर पर आएगा भी या नहीं गारंटी नहीं। ए, क्या नाटक कर रही है? हाँ कोई बुराई नहीं है लड़के में, ये लड़के में खोट निकालती है और आप हाँ कर देते हैं। अच्छा रिश्ता है पापा जी, छोड़ना नहीं चाहिए। अरे बेटा ये लोग तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, लड़के वाले कल ही आ रहे हैं। तुम्हें पसंद आए तो बोल देना। ओ तो तुम ये सोचती हो कि जितने भी शादीशुदा औरतें हैं वो सुखी नहीं हैं? सॉरी दीदी, वो अच्छा है ये अच्छा है इसका हिसाब करके मैं अपनी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकती। ये तेरा डर है या पागलपन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो तू ये सोचती है दुनिया में जितने भी पति होते हैं वो अच्छे नहीं होते क्या? वो रिस्क नहीं लेते क्या? वो भी डरते होंगे, वो भी इंसान है। वो पति है और ऊपर से मर्द है। पति ही मर्द होता है तभी तो पत्नी से प्यार करता है, देखना एक दिन वही तेरे अंदर के डर को निकाल के बाहर फेंक देगा। दीदी तुम्हारे इमेजिनेशन, तुम्हारे डायलॉग बहुत हैवी है लेकिन रियलिटी में नहीं है। तो फिर तेरी रियलिटी क्या है? अपने पिताजी के बारे में कभी सोचा? कब तक इस तरह भागती रहेगी? पापा को बोल देती हूँ। बोल देगी तो क्या शादी का इरादा छोड़ देंगे? उन्हें कितना दुख पहुँचेगा पता है? तुम मुझे क्यों डरा रही हो दीदी? देख मधु, तू अपने पिता को बचपन से जानती है पर वो क्या सोचते हैं तुझे ये नहीं पता, और अब तू शादी से नफरत करती है, मर्दों से नफरत करती है। तू अपना डर दिल से निकाल दे और शादी कर ले, तू जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं होगा। हो गया तो? आजकल की जेनरेशन के पास तो 100 ऑप्शन होते हैं, तेरा जो भी डिसीजन होगा ना मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। ओके मान जाना। पापा जी मधु शादी के लिए मान गई। खाना खाया आपने? हाँ हाँ। बेटी रात बहुत हो चुकी है, सुबह हमें जल्दी शादी का कार्यक्रम भी शुरू करना है, जाओ सो जाओ। दीदी चलो चलो चलते हैं। बेटा ये पहन लो। माँ नहीं पहनना। अरे शादी के कपड़ों में ये बहुत सुंदर दिखेगा। बोला ना नहीं पहनना है मुझे। हाँ अकल नहीं है ना इसलिए पहनने से मना कर रही है, जब पति से ऐसे बोलेगी ना तो तेरी जुबान खींच लेगा, वो जुबान खींच लेगा तेरी। गलती कर दी दीदी की बातें सुनकर, बड़ी गलती कर दी, उन्होंने मुझ पर जादू कर दिया था, शादी तक खींच कर ला दिया। पर तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या मधु? तू डर मत, 7 घंटे रुकेगी ना तेरी शादी हो जाएगी तो काम तमाम। नहीं मधु नहीं, तू ही शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन पापा माँ बाप के बारे में सोचेगी तो? दर्द 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 ता, दर्द 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 ता, दर्द 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 ता 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 तारे रारे हो तारे ता। जब तुमने कहानी सुनाई मैं ऐसे हंसी थी? नहीं नहीं तुमने कहा ना तो मुझे एक छोटा सा डाउट हुआ। क्या? मेरे जाने के बाद दूसरा लड़का आएगा तो उसे भी ऐसे कहानी सुनाओगी क्या? अरे अगर शादी नहीं करनी तो अपने पापा से बोल दो ना, एक बार तुम अपने पापा से बोल दोगी उसके बाद मैं भी सपोर्ट करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। ये बात तुम भी बोल सकते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अरे लेकिन अभी बोलना मुश्किल है ना, मेरा भी वही प्रॉब्लम है। फ्री एडवाइस मत दो, आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। अरे तुम फिर से शुरू होगी, कौन जाएगा क्लियर हो चुका है ना। हाँ तो तुम जाओगे ना। अरे हेलो मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। तारते हैं
तू चलेगा क्या? अरे भाई तुम दोनों के बीच में मेरा क्या काम? एक काम कर, जहाँ जाना है तू अकेला ही चले जा। कृष्णा आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ बस दो मिनट। हाँ मधु, तुम प्लीज पीछे बैठ जाओगी? यहाँ कृष्णा आएगी तो बैठेगी ना? कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, प्राउड है। किस लिए? बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप जीतेगा तो कैसा रहेगा? क्या तुम बांग्लादेश से हो, इंडियन नहीं हो? तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो। इस वक्त कृष्णा मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ रही है, तो कैसा फील हो रहा है मुझे पता है। ओ, बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीता है ऐसा लग रहा है। हाँ, यही बात। बोलो कृष्णा, भागकर शादी करनी है? तुम्हारे पापा से बात करूं मैं? तुम बोलो, मैं करने को तैयार हूं। चले जाओ। मतलब जाकर कल सुबह वापस आऊं क्या? नहीं, तुम्हें आना ही नहीं है। मुझे तो शादी के लिए अशोक ही सही लग रहा है। उससे जरा सा झगड़ा हो गया था तो गुस्से में मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। सॉरी, तुम चले जाओ। कल मेरी शादी है, वहां से भाग कर आया हूं मैं। तुम्हारे अंदर अकल है या नहीं? अरे आने से पहले कंफर्म तो करते, कम से कम कॉल ही कर लेते। तुम में कॉमन सेंस है ही नहीं। कॉमन सेंस? ठीक है, रात ज्यादा हो गई है, थोड़ी देर सोना है। कल मेरी शादी है ना, बाद में बात करेंगे। ब्रेक, आपको अगर रोना है तो आप रोइए, मेरी वजह से कंट्रोल मत कीजिए। थैंक्स। कितना प्यार किया था मैंने उसे, लेकिन वो देखो। यू ओके? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसे डांटने का मन कर रहा है। तो उसे डांटो। अरे उसकी तो मैं, उसका फोन आया था इसलिए मैं यहाँ आया, और मुझे क्या कह रही है, कंफर्म करके नहीं आया तो कंफर्म करूं? साला ये कोई ट्रेन टिकट है जो कंफर्म करूं मैं? इसे तो मैं, क्या कह रहा है, इसे मैं गालियां देना चाहता हूँ। मैं कार से उतर जाती हूँ, आपको जो करना है करिए। हेलो
वीरू तुम इधर ही बैठो, मैं अभी आता हूं। ओके। वीरू एक बार इधर आओ ना। तुम ही आओ। हाँ अब बोलो। मेरा कोई सामान तो नहीं है ना तुम्हारे पास? मैं नहीं तो फिर मेरा सामान क्यों? वो क्या है ना, रिस्क है ना। मुझे मारा तुमने? क्यों, नहीं मारना चाहिए। वीरू मेरा कोई सामान है क्या? मैं मार भी नहीं सकता, नहीं हो पाएगा मुझसे। पर एक बात मैं समझ गया कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई, और तुम पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे दया आ रही है। तुम ऐसे कंफ्यूज होती रहोगी तो फिर उसके साथ भी कैसे जी पाओगी? तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं जो है वो बता रहा हूं। तुम एक काम करो, अपनी शादी कर लो, उसके बाद तुम मुझे फोन करना और बताना कि मैं भी खुश हूं और मेरा पार्टनर भी खुश है, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपना मुंडन करा लूंगा। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। जाओ सो जाओ। बाय बेबी। आज जो किया ना मैंने, बहुत पहले करना चाहिए था। ब्लेस मी लेडीज। वेलकम सर। सर नोट जरा देख कर दीजिए। हाँ देख लिया। जाओ। इतने ही लेकर जाऊँ क्या? अबे मुझे भी साथ लेकर जाएगा क्या? पूरी पेमेंट भी नहीं देते। कहाँ कहाँ से आ जाए। मुझे आज जल्दी सोना है यार, सुबह स्टार के साथ शूट है मेरा। ये वक्त कोई सोने का है क्या? क्या करूं, आदत है मामा जी। यही बातें करेगा। चल वहाँ जाकर उसके बारे में पता करते हैं। वो क्या है ना, मैं आजकल की लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ मामा जी। तू अभी बच्चा है बेटा, ये बातें तेरे समझ में नहीं आने वाली। हैं? मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूँ क्या? तेरी उम्र शादी की नहीं है, मेरी बात सुन, इसका इंतजाम वहाँ जाकर देखते हैं। चल मस्त मजा लेंगे। ये शादी कैसे हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम है। ये दारू है? इतने घटिया ब्रांड यहाँ पर रखे हुए हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई खाने में भी घटिया, पीने में भी घटिया, ऐसे कैसे चलेगा भाई? यहाँ पर तो आपका राज चलता है, लगता है आपका राज खत्म हो गया भाई। मेरे होते हुए तुम लोगों को ये घटिया दारू? अब ये नहीं चलेगा, अब देखना मैं तुम्हारे लिए कैसे ब्रांड दारू का इंतजाम करता हूँ। मामा जी आपने तो कमाल कर दिया, खटाखट खटाखट सारे ब्रांड टेबल पे ला दिए, क्या बात है। आई लव यू सो मच मामा जी। अरे मामा को क्या समझते तुम लोग? क्या कर रहे हैं तुम? थोड़ा ही जाना शुरू हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? शादी का सारा पैसा इस ब्रांड में लगा दोगे क्या? अरे ब्रांड में नहीं, बोतल पर। और बोतल के अंदर ठर्रा है। तुमने तो महंगी बोला। एक बार पीली तो पता नहीं चलता नशे में। क्या चाल चली है। जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ेगी ना, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। अरे सुनो रे। मतलब अभी मैं बच्चा हूँ? अरे भाई एक डोसा देना। इडली तो बोलो क्या करना है। डोसा बोलिए, पता नहीं कौन सा ऑयल होगा। इडली बोलिए। अभी क्या दिल्ली जाओगे? नहीं नहीं। एक काम करो, मुझे दिल्ली की बस में बिठा दो। मेरे बस में बैठने के बाद शादी में तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे, मुझे विश्वास है। इडली बोलिए। एक प्लेट इडली। आप कहाँ जाओगे? पता नहीं, हमारी मैडम ने जो झटका दिया है उसके बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब आप उसके बारे में सोचना
बंद कर दीजिए। बोलना आसान है, भूलना बहुत मुश्किल है। देखा ना, एक फोन कॉल, शादी छोड़कर आ गया मैं। मतलब बताओ, प्यार के लिए कोई नाम बदलता है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। वीरू नाम उसे पसंद नहीं आ रहा था, वो बदलने के लिए कह रही थी। प्यार के लिए कोई नाम बदलता है क्या? मैं करता हूँ सृष्टि, तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ बोलो? धर्म बदल लूँ अपना, या फिर अपना नाम सागर जोसेफ रख लूँ बोलो? सागर को छोड़ दो। ठीक है, सागर जोसेफ। ओके ओके ओके, ओनली जोसेफ। वो और ये एक नहीं है ना, छोटा बच्चा है, उसको प्यार के बारे में नहीं पता, वो फीलिंग्स अलग लेवल की होती है। मेरे बारे में क्या सोचा है सृष्टि? तुम मेरे पास रहती तो कैसा लगता है पता है? तुम मेरा हाथ पकड़ती तो पता है कैसा लगता है? मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज सृष्टि मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। ये तो आपका भाई लगता है। मुझे तो लगता है दुनिया में हर कोई इसी काम पर लगा हुआ है। मैं चलता हूँ, बोलो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बाय। मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम छोड़ने की बात करती हो तो लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मुझे छोड़ के मत जाओ। उसे मत समझा, तू समझ, आधे घंटे पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं मरा नहीं हूँ, तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ, लेकिन जब वो थी ना, मेरा सुख चैन सब बर्बाद हो गया था। सॉरी सिस्टर। क्या किया तुमने? सॉरी यार। सिस्टर, सिस्टर मेरी बात तो सुनो प्लीज। फिर कभी मेरे पीछे मत आना, समझ में आया तुझे? आज से ब्रेकअप। सृष्टि, हेलो प्रता, पानी दो। हाँ। पहले मैं ऐसा ही होता, थोड़ा हिम्मत रखो, लो पानी पियो। दो साल का प्यार था, आसानी से ब्रेकअप बोलकर चली गई। छोड़ देना दोस्त, बोलना आसान है भाई, छोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम स्टेज टू पर हो और मेरा स्टेज थ्री चल रहा है, जहां हमारी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है, वहां अपने इमोशन को इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है भाई, मैं घर जाता हूँ, माँ मेरा वेट कर रही होगी। इधर हुआ क्या? पता नहीं। हाँ बालू बोल। अच्छा, लड़की तेरे साथ ही है ना? हाँ, क्यों? वो क्या है ना, अरे क्या कर रहा है? उधर लगा ना। इसे लगा ना। अरे लगा से लगा, देख गिरे ना, ऊपर लपेट इसको। क्या सूर्य नारायण, कमाल कर दिया। मेरी पत्नी कहती थी हमें लड़का होगा, लेकिन मुझे लगता है मधु के रूप में मेरी माँ ने जन्म ले लिया हो। बहुत प्यार करता हूँ उसे मैं, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मधु को कोई डांटता है तो चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो, मैं उस पर भी हाथ उठा देता हूँ। अगर मेरी माँ को कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कल मेरी बेटी की शादी होगी और वो चली जाएगी, सब कुछ सुना सुना हो जाएगा। एक बाप के लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सच है, बेटी के बिना कैसे जीऊंगा? सब कुछ ठीक होगा दोस्त, तू टेंशन क्यों लेता है? अरे मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मुझे बहुत हिम्मत है। अरे सूर्यनारायण, क्या हुआ? मामा जी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मामा जी आप ठीक तो है ना? ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे कुछ नहीं, थोड़ा बीपी डाउन हो गया बस। मधु को मत बताना, वो घबरा जाएगी। हाँ ठीक है मामा जी, आप टेंशन मत लीजिए, आराम कीजिए। हाँ, सब कुछ आराम से हो जाएगा। दस साल में मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बारे में। मैंने पापा के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा, थोड़ा सा भी नहीं। भगवान ने मुझे जरा सी भी अकल नहीं दी। मैं तो आराम से। मेरे पापा कुछ करना ले, मुझे डर लग रहा है। सब कुछ ठीक होगा ना? वापस चलें क्या? दोनों में से किसी एक को शादी छोड़कर जाना ही होगा। मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, फिर चला जाऊंगा। सब लोग तुम्हें गालियां देंगे। तुम नहीं आती तो भी मैं आने ही वाला था ना, गालियां देने ही वाले थे। मेरी वजह से तुम्हारे पापा बच जाएंगे ना। थैंक्स। अभी निकलेंगे तो एक घंटे पहले पहुंच जाएंगे, तो चलते हैं। ओके।
टेंशन हो रही है? यही कि तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा कि तुम वहां पर नहीं हो और मेरे साथ हो? दोनों की अलग अलग टेंशन ले सकती हो, कंफ्यूजन कम हो जाए। इस टाइम पर जो कर रहे हो हेल्प भी करोगे तो मर्डर कर दूंगी। बालू का फोन आया था, तुम्हारे पिताजी बहुत जोश में हैं। तुम वहां नहीं हो ये पता चले उससे पहले मैं तुम्हें मंडप में छोड़ दूंगी, प्रॉमिस। मधु क्या दीदी, मैं शादी कर लूं क्या आप मुझे हैप्पी नहीं देख सकती हो? आपको पता है ना मुझे टेंशन होती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आज मेरी बेटी की शादी है, आज मेरे लिए दुनिया का सबसे खुशी का दिन है। अरे कुछ नहीं, थोड़ा बीपी डाउन हो गया बस। मधु को मत बताना, वो घबरा जाएगी। कैसी हो विजय, ठीक हो ना? हाँ आंटी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ ठीक ठीक हूँ। ये अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है ना? बिल्कुल। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? मेरी लाइफ में आज क्या हुआ है ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसा क्या हो गया? अच्छा तुम्हें पता भी है, जिस लड़के से मैं शादी करने जा रही थी उसी के साथ भाग गई। क्या बात कर रही? अब वही लड़का मुझे वापस लेकर जा रहा है। थोड़ा डर लग रहा है। लड़के को देखकर नहीं, कितने पागलपन एक ही दिन में किए हैं। दिन में नहीं रात में। हाँ हम शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन शादी के लिए रेडी हो गए थे, फिर बिना सोचे हम दोनों वहां से भाग गए। ऊपर वाले ने अकल ही नहीं दी ना हमें। क्या तुमने ही मुझसे कहा ना बस स्टैंड पर छोड़ दो? हाँ करेक्ट है, मेरे पास तो दिमाग नहीं है लेकिन आप तो इंटेलिजेंट है। कितना प्यार करती थी वो मुझसे। बहुत वो, मैं उसके प्यार में बदल गया था, मैं नाम भी बदलने को तैयार था। बोला ना नहीं, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अच्छा तुमको मजाक लग रहा है? और जब मैंने अपनी कहानी सुनाई थी तब? वो बात नहीं थी। छुपाओ मत, आपकी फीलिंग्स वही है। ठीक है मेरी फीलिंग्स वही थी लेकिन गलत नहीं हो ना? अरे तुम लड़कियों की ना हर चीज पर एक फिक्स सोच होती है, चीजों को ना टैग कर देते हो। जैसे तुमने पतियों को टैग किया, सारे पति एक जैसे। सही है हम लोग टैग देते हैं, तुम लोग लड़कियों पर फिक्स टैग नहीं लगाते क्या? मैं एक्सपीरियंस लेकर बात कर रहा हूँ, फ्यूचर को लेकर अजम्पशन नहीं कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर की नहीं सोच रही हूँ, मेरे डर की वजह कुछ और है। क्या वजह है? टीवी सीरियल्स ना। टीवी सीरियल्स भी हमारी लाइफ पर ही बनते ऐसा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से बनाते हैं। कैसे भी बनाते हो हमारी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं उसमें। आप लोग ज्यादा देखते हो इसलिए उस पर ज्यादा बनाते हैं। क्यों मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होती, वो इंसान नहीं होते? अरे आप लोग प्रॉब्लम लाएंगे नहीं तब तक क्या प्रॉब्लम होगी? ये तुम्हारी सोच है, इसमें आर्ग्यू नहीं कर सकता। मेरी फीलिंग भी यही है, मुझे भी बिना मतलब के लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। मैं कुछ बोला क्या? मैं भी किससे बात कर रही हूँ पागल कहीं की। सॉरी मैंने गुस्से में बात की इसलिए सॉरी। से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता है। मेरी माँ के लिए मेरे पापा बहुत अलग हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाता है ना तो हाथ तक उठा देते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान कभी आइडियल हो ही नहीं सकता, परफेक्ट हस्बैंड जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते ही रहते हैं ना, हम जो कुछ भी सीरियल में देखते हैं वही सब कुछ सच ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। तुम्हारा हस्बैंड ऐसा ही होगा ये सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा करोगे तो लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दोगी। दिल लगा
प्यार में जाने जा, कुछ हुआ कुछ हुआ, क्या हुआ जानू ना। ख्वाहिश ये हमारी, लबों से बयान न होगी, आँखों में पढ़ लो जरा, मुश्किल है कहना। मंजिल इस सफर की एक दिन हासिल होगी, देखो शुरू हो ये गया प्यार का सिलसिला। अरे कहे हम कैसे तुमसे मिलके, दिल को सुकून मेरा, इश्क तेरा ये जैसे हवा बनके, सांसों में है गुलाब। चाहती जिसके दिल को कब से तुमसे प्यार मिला, मेरा है नसीब जो दिल को मेरे साथी तुम सा मिला। दिल लगा दिल लगा, प्यार में जाने जा, कुछ हुआ कुछ हुआ, क्या हुआ जानू ना। मंडप बहुत मस्त सजा है ना। ऐसा मुहूर्त 7 साल के बाद आया है, हम ही निपट ले क्या इसी में। मामा जी बोल रहे थे। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, खूबसूरत फूल हैं, लाइट लगी हुई है, चारों तरफ रोशनी, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। तुम्हें क्या चाहिए? वही शादी। शादी ही तो हो रही है यहाँ पर। सोचो अगर नहीं हुई तो, वो लोग यहाँ नहीं आए तो फिर क्या होगा। अरे तू क्या बोले जा रहा है? ऐसे ही सोच रहा था, इसमें किसका क्या नुकसान हो रहा है। ए बालू, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों शादी कर लेंगे, तुम्हारे पिताजी का भी खर्च बचेगा, मेरे पिताजी का भी बचेगा। हमारी शादी इतनी धूमधाम से हुई थी, लोगों को याद भी रहेगा, और मेरे मामा जी को ऐसा लगेगा कि कम से कम अपने बेटे की शादी नहीं करवाई तो भांजे की ही करवा दी, और सबको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने मामा जी की खुशी के लिए अपना बलिदान दे दिया। ए बालू, मैं सुन रही हूँ, इसलिए जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है, बकवास बंद कर अपनी। चलत अंकल ठीक ही बोलते हैं इसके बारे में, मेरी कुंडली में तू ही है। और कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा? अभी करीब 20 मिनट। अंदर वॉशरूम होगा, जाकर आओ। चलें। कैसा लगा? हाँ? कार मैं ड्राइव करूं? तुम्हें ड्राइविंग आती है ना? आपसे तो अच्छी आती है। अच्छा, अपना टैलेंट दिखाने के लिए तुमने मेरी आंख खराब की ना?
ड्राइविंग अच्छी है? पता चला ना, मैं थोड़ी फास्ट चलाता हूँ ना, इसलिए गाड़ी थोड़ी रफ लगती है। गाड़ी कितनी भी फास्ट चलाओ, लेकिन बगल वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने गियर चेंज किया है। दिल्ली में वैसे मैं रेस कार भी चला लेता हूँ। मैं इस गाड़ी को भी रेस कार की तरह चला सकती हूँ। अच्छा, और क्या? सुनिए मैडम, मैं आपका टैलेंट देख चुका हूँ, स्लो चलाइए ना। सड़क भी ठीक नहीं है और ब्रेक भी स्मूथ नहीं लग रहे हैं, इसीलिए स्लो कर लिया। छोटे बच्चे से भी ज्यादा खतरनाक हो तुम। कार से उतरना मत। बकरी मर गई है। मधु मार मत आना, दरवाजा लॉक कर दो। से शादी करना चाहता था, तूने बोला समय ठीक नहीं है, दोष मिटाने के लिए इस बकरी से शादी की। जानता है कितने पैसे खर्च किए हैं मैंने? पैसा मैं देता हूँ ना, सारे दे दूंगा। ऐसा नहीं, जान दे सकते हो क्या तुम? तो सुन सेतु, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से इस लड़की से शादी कर, 3 रातें गुजरने के बाद तेरे इस गाँव में तांडव कर पूरा दोष खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरी बेटी से शादी कर। क्या शादी? अरे भाई,
मैं बात कर रहा हूँ ना, करने देना। शादी क्यों? आपको बकरी चाहिए ना, मैं दूंगा, जितनी चाहिए उतनी। नहीं हो सकता, जिसने जान ली है उसी के साथ शादी करके ही उसकी जान जाएगी। क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गुरु जी के सामने ऊंची आवाज की तो मार दूंगा। अभी क्या उसे छोड़, वरना तेरे गुरु को बकरी के जैसे काट डालूंगा। नहीं नहीं छोड़ना भाई, ऐसे ऐसे सीन मैंने बहुत फिल्मों में देखे हैं। हाँ तो फिर आज तू एक लाइव सीन भी देख ही ले, ठीक है ना? नहीं नहीं, तू उसे छोड़ता है कि इसे काट डालूं मैं? छोड़ दो इसे। तो तू इधर आ। भाई ऐसे सीन मैंने हिंदी भोजपुरी फिल्मों में बहुत देखे हैं, इसकी बात पर भरोसा मत करना। किस कहाँ है? ये सीन मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं देखा। शादी कर लूंगी, मैं शादी कर लूंगी, उसको छोड़ दो प्लीज। हमारे भाई को मारता है, इसे जान से मार डालो। मैं इसकी जान नहीं लूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसे मारना ही होगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज, वीरू को छोड़ दो प्लीज, वीरू चले जाओ, वीरू चले जाओ तुम। वीरू तुम चले जाओ। ये तो मुहूर्त निकला जा रहा है, पकड़ लो इसे। छोड़ दो प्लीज। बकरी तो जिंदा है, बकरी जिंदा है। अरे देखो देखो, बकरी को होश आ गया। बकरी तो जिंदा है, मुझे भी देखना चाहिए। सेतु अब 3 दिन से संभाल के रख, चलता है। हेलो, ये सुन उधर क्या चल रहा है? भाई अभी तो यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बम फूटने वाला है। लड़की के रूम से या फिर लड़के के रूम से, इंतजार करते हैं। मेरी बात ना तू ध्यान से सुन, उधर कोई ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो मेरे रूम से होना चाहिए, लड़की के रूम से नहीं। क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ ना समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो बोला वही होना चाहिए। ठीक है। अरे हम दोनों आ रहे हैं, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ गया मैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अरे आधा घंटा संभाल ले। ठीक है ठीक है, तो अब चलें। अरे चाटा क्यों मारा? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? मर जाते तो? कितना चिल्ला रही थी मैं, सुनाई नहीं देता? अरे वो जल्लाद तुमसे शादी कर रहा था, मैं चुपचाप बैठता क्या? जान जाती है तो चली जाए। कैसे चली जाए, कैसे चली जाए? अक्ल नहीं है क्या तुमको? मधु आराम से बात करो। कितना डर गई थी मैं पता है, पागल लोग थे वो, तुम्हें मार देंगे ये सोचकर मुझे बहुत डर लगा। कितनी बार बोला कि चले जाओ, फिर भी तुम गए नहीं। वो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध रहा था। बंध जाता, तुम्हारी जान मेरे लिए कीमती थी। अरे कैसे बांधने देता, हाथ काट देता उसका, बकरी की औलाद साला, मार देता उसे। वो
मार दोगे तुम? तुम अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो क्या? मधु, अब तुम ज्यादा ही बोल रही हो। मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। मार दूंगा, काट दूंगा। लड़कियां पता नहीं क्या समझती अपने आप को। क्या बोले? कुछ भी नहीं। तुमने क्या बोला मुझे सुनाई दिया। हाँ, तो मैं बोला कि पता नहीं लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं। कुछ गलत कहा क्या? ए, इधर आ। अरे बाप रे, फंस गया। क्यों रे? बढ़िया। कैसा लगा डेकोरेशन? सुपर। तूने लड़की देखी क्या? लड़की वालों के संस्कार भी कमाल के हैं। फर्स्ट क्लास। हाँ, वही तो, सब्र रखा है, इसीलिए तो ये रिश्ता तय हो पाया है। आप जो सोच रहे चाचा जी, वो हाईवे पर है। क्या बोला? लाइटिंग, लाइटिंग। अरे टाइम हो गया, मैं उठाता हूँ। उठेगा नहीं? क्या कहा? अभी तक उठा नहीं, सो रहा है। वो अभी तक सो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ ही देर में उसकी शादी है, मैं उसकी जगह होता ना मैं तो सोता ही नहीं। वो भी वही कर रहा है। क्या? मुझे छोड़िए, जाकर शादी की तैयारी कीजिए। क्या कहा तूने? मतलब रेडी करूंगा उनको, बहुत सारे काम है। जा 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 जा, रेडी कर उसको और जल्दी लेकर आ। हाँ, लाता हूँ। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वीरू का फ्रेंड हूँ। हाँ तो, अभी मधु सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। वो क्या है कि इतना टाइम हो गया, मैं सोच रहा था कि कोई इन्हें उठाकर रेडी करेगा तो। यही सोचकर तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। मुझे डर लगता है, लड़ाई झगड़े से ना मुझे बहुत डर लगता है। मैं उस तरफ जाता भी नहीं जहां इस तरह की लड़ाई हो रही होती है। कृष्णा के लिए 4 लोगों को मारने गया था, लेकिन बेशर्मों की तरह पिटकर वापस आ गया था। मैं ऐसा ही हूं, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था, उसके हाथ पांव तोड़ने का मन कर रहा था मेरा। इसीलिए मैं थोड़ा सा वायलेंट हो गया था, ये सोचकर कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ भागकर इतना दूर आई हो। ऐसे में तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? और क्या होता, शादी करके वो मुझे फिर छोड़ देता। मेरे लिए और कितनी मार खाओगे तुम? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उस वक्त मैं डर गया था। लेकिन तुम्हें तो शादी बिल्कुल पसंद नहीं है ना, और वो जबरन तुमसे शादी कर रहा था, तुम्हें डर नहीं लगा क्या? डर लगा, रोना भी आया, लेकिन तुम्हारी जान से ज्यादा तो नहीं था ना। तुम बहुत अच्छी इंसान हो मधु, दुनिया में ऐसी लड़कियां कम होती हैं, कम से कम मैं तो कभी नहीं मिला। वीरू, वो टेंशन मत लो, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आ जाएंगे ना वो? हाँ आ जाएंगे 5 मिनट। हाँ होगा तब आएगा ना, आ जाएंगे। मौसी, ये मैं पहना दूंगी। नहीं बेटा, मैं पहनाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगी। ठीक है माँ। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? वो वॉशरूम में है। वो वॉशरूम में है, कहाँ है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तू मुझे मत बता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो कहाँ है। वो कैसे मामा जी? वेंकी मामा को इतना बड़ा बेवकू समझता है क्या? तू यहाँ पहरा दे रहा है, वो वहाँ पहरा दे रही है, समझता नहीं हो क्या? मैं उसे यहाँ बुला दूँ क्या? तो उसको बोलना वो वहीं रहे। अरे काम करने का भी एक वक्त होता है यार, थोड़ा ही समय बाकी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे आप कहना क्या चाहते हैं मामा जी? मैं जो तुझसे कहना चाहता हूँ वो सुन। हमारे पास टाइम बहुत कम है, सब काम फास्ट करना है। सुनिए जी, जब वो दोनों लोग बाहर आ जाए तो आप जल्दी से उन्हें रेडी करके बाहर आ जाइएगा। मैं क्या करूँ? जब वो बाहर आए तो उसे टॉनिक पिलाकर अपने साथ लेकर आ जाना, समझा? मुहूर्त का समय होने वाला है। तो
तू ये सोचती है दुनिया में जितने भी पति होते हैं वो अच्छे नहीं होते क्या? वो रिस्क नहीं लेते क्या? वो भी इंसान है। मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं मैं वहाँ से दूर चला जाता हूँ। पति ही मर्द होता है तभी तो पत्नी से प्यार करता है। देखना एक दिन वही तेरे अंदर के डर को निकाल के बाहर फेंक देगा। जुड़ा जन्मों का रिश्ता ये जन्म कभी छोड़ के ना जा जाना हम दम। मुझे मिले खुशी तुझसे या मुझे रहना है साथ तेरे यारा। छुड़ा जन्मों का रिश्ता ये जन्म। वीरू मधु तुम अंदर चली जाओ। तुझ में अकल नहीं है क्या? अपने पिताजी के बारे में जरा भी नहीं सोचा तूने? इसमें गलती मेरी भी है। आपको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती लेकिन इसे तो बोल सकती हूँ। आपने इसे सलाह दी थी ना कि शादी कर लो, वरना लोग बातें करेंगे यही कह के समझाया, और अब चाटे मारकर शादी करवा रही है। जबरदस्ती मत कीजिए, यह गलत है। अब अंदर जाकर और सबको कह दीजिए कि लड़का मंडप छोड़कर भाग चुका है, आपके घर की इज्जत नहीं जाएगी। ले जाइए इसे। जुड़ा जन्मों का रिश्ता ये जन्म कभी छोड़ के ना जा जाना हम दम। भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब मुझे क्या चाहिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलो भाई वो तो ठीक है, लेकिन कार कहाँ है वो तो बता दे भाई। सर्विसिंग के लिए दे कर आया, जा जल्दी लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा, श्वेता वेट कर रही है। बाय। अब तू क्यों रो रही है? अब तो तेरी शादी रुक जाएगी ना। अब मैं कभी तेरी शादी की बात नहीं करूंगी। क्या क्या कहा? मेरा उसको छोड़ने का इरादा नहीं है, शादी करना चाहती हूँ उससे। तू क्या पागल है? आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? वो तुझे पसंद है क्या? मुझे पसंद है, बहुत पसंद आया, लेकिन मैं कभी भी उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाई। दीदी तो उसे बोल देती ना। हिम्मत करके बोलने जा ही रही थी तब तक आपने चाटा मार दिया। जब शादी नहीं करना चाहती थी तब आपने शादी के लिए तैयार किया, लेकिन अब वो मुझे पसंद है, उसी से शादी करनी है। अरे पंडित जी कब से बुला रहे हैं, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम दोनों यहाँ पर रो रही हो। हाँ चलो चलो जल्दी आओ। पंडित जी दूल्हा आ गया है।
कहाँ जा रहा है तू? मामा, समझ गया मैं। क्या समझ गए? मैंने सोचा था कि तू अंदर ही है, लेकिन तू इतना गिर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मामा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब तू छोटा था ना तो बहुत मारता था तू मुझको यहाँ पर, तब मुझे दर्द नहीं हुआ करता था, लेकिन आज जो तूने किया ना बहुत दर्द होता है। क्या हुआ, ठीक से बताइए ना। मुझ में भी हिम्मत है, लेकिन तेरे जैसी हरकतें कभी नहीं की। क्या मुझे मौका नहीं मिला होगा? एक इंसान की सोच में हिम्मत होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तू भी कंट्रोल रख, चल। क्या मामा, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे मालूम था तू यही बोलने वाला है। शादी से पहले सब कुछ हो जाए तो तुझे शादी क्यों पसंद आएगी मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। आज तुझे लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधना ही पड़ेगा। अरे मामा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अरे उस लड़की की हाय लगेगी हमको। मामा, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं तुझे मैं? आज मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरी एक नहीं चलने वाली, समझ ले तू। और तू मुझे बोलता है कि मैं चुप बैठ जाऊं? मेरा जमीन अभी मरा नहीं है। जमीन आसमान चाहे एक हो जाए, जमुना में चाहे सुनामी आ जाए, अगर तेरा बाप भी आकर बोल दे कि ये शादी नहीं होगी, तब भी ये शादी होगी, होगी, हर हाल में होगी। ये तेरे मामा का वादा है और मैं वादा नहीं तोड़ता। चल। सॉरी मधु, ये सब मामा ने किया है, तुम टेंशन मत लो, मैं शादी रोक दूंगा। पंडित जी, सूरज निकला जा रहा है। हाँ। तो ये है मेरी कहानी, जिस शादी में मैं भाग गया था वही शादी उसी मुहूर्त में की। भगवान ना कभी कभी सीधी बात नहीं बोलता, थोड़ा मार कर समझाता, फिर मलम भी लगाता। मैं कितना लकी हूं उसके लिए ये रात और ये लोग गवाह हैं। मुझसे प्यार करने वाले लोगों से नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। मेरे लिए इन लोगों ने आज जो माहौल बनाया है, मेरे पास बैठी लड़की इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी होगी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। खुशी क्या होती है अब पता चल रहा है, लेकिन मेरी शादी सिंपल नहीं, ये एक युद्ध जैसा चला। भगवान ने हम दोनों को मिलाने के लिए बहुत ही सही रास्ता चुना है और हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं वीरेंद्र और मेरी वाइफ मधु। दिल लगा प्यार में जाने जा, कुछ हुआ क्या हुआ जानो ना, ख्वाहिश ये हमारी लबों से बयान होगी, आँखों में पढ़ लो जरा, मुश्किल है कहना मंजिल इस सफर की, एक दिन हासिल होगी, देखो शुरू हो ये गया प्यार का सिलसिला।
अरे कहे हम कैसे तुमसे मिलके दिल को सुकून मिला, इश्क तेरा ये जैसे हवा बन के सांसों में है गुला। चाहती जिसकी दिल को कब से तुमसे प्यार मिला, मेरा है नसीब जो दिल को मेरे साथी तुम सा मिला। दिल